रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करते हैं आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर, एवरलिंक्स ऑफिशियल के ऊपर। उम्मीद करते हैं जी आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके सामने एक यूनिट लेके आए हैं जी, ये इसका फ्रंट एलिवेशन है। तो मज़ीद इसको मैं आपको इसकी लोकेशन बताता चलूँ। रहमानपुरा जो इसकी मेन रोड, मेन मार्केट के अंदर इसकी लोकेशन है। ये इसका स्ट्रीट ओवरव्यू है, ये जी इसका स्ट्रीट ओवरव्यू है। प्रॉपर्टी है ये, फॉर रेंट है, ठीक है। और आपको मज़ीद मैं इसमें दिखाता जाऊँ, ये इसके सारा जो है ना यूनिट है। मज़ीद आपको इसका मैं विज़िट कराऊँ तो ये इसका कारम कैशबैक गाड़ी आराम से इसमें अंदर आ सकती है छोटी। ये इसका जी सीलिंग है यार। और मज़ीद आपको इसके अंदर ये टाइल वगैरह का इस्तेमाल हुआ है। ये डोर है, डोर से इंटर हो तो ये अभी काम हो रहा है इस घर का। इस साथ पे आपको इसका पाउंडर रूम मिल जाएगा, वॉशरूम जो है। लाइट यहाँ पे नहीं है, ये इसका वॉशरूम एरिया। साथ ही ये अटैच बेसन है, किचन हो गया। ये इसका बेडरूम फर्स्ट है, ये इसका बेडरूम फर्स्ट है, और ये इसका बेडरूम सेकंड। वीडियो को काइंडली एंड तक वॉच कीजिएगा। इसका घर का फ्लोर प्लान और घर के रेंट का मैं वीडियो के एंड के ऊपर आपको इसका डिस्क्लोज करूँगा। अभी घर का काम हो रहा है, ये इन्होंने वेंटिलेशन के लिए एरिया दिया हुआ है। और इस रूम के साथ ये अटैच वॉशरूम है। ये इसका अटैच वॉशरूम आ गया। घर के अंदर फ्लोरिंग मार्बल की हुई भी, उधर टाइल्स की हैं। और ये इसका ग्राउंड फ्लोर हो गया। और फर्स्ट फ्लोर की तरफ मैं आपको इसके लेके चलता हूँ यार। ये जी इसका टाइल और प्लस मार्बल इस्तेमाल हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो इसे सेपरेट सेपरेट आप लोग ये रेंट आउट भी हो सकता है, अगर एक ही पार्टी में से बाई करने के लिए इंटरेस्टेड है तो उसके हवाले से भी मैं आपको इसका रेंट का बता दूंगा। ये सेपरेट एक ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, ये आपको यहाँ पे किचन इसका आ जाएगा। ये इसका किचन, कैबिनेट्स इसके आप देख लें, टाइल का इस्तेमाल और काउंटर पे मार्बल का इस्तेमाल है। नीचे काउंटर कैबिनेट्स दिए हैं, यहाँ पे टाइल वर्क। और ये बेसन मार्बल का इस्तेमाल फ्लोरिंग पे। मज़ीद आपको रूम के अंदर लेके चलो, सादा सीलिंग है रूम की। और ये इसकी पैनलिंग हुई भी है, और ये दीवार पे भी इसकी पैनलिंग है, और ये दीवार इसकी सादा, ये इसकी दीवार सादा। और साथ ही आपको मैं इसका डोर डिज़ाइन दिखा दूँ, डोर डिज़ाइन इसका। मज़ीद ये वेंटिलेशन के लिए इसके इस साथ ये दी हुई है विंडोज़। और मज़ीद ये आपको बेडरूम के अंदर लेके चलूँ तो यहाँ पे आपको इसके साथ ही अटैच एक वॉशरूम मिल जाएगा। स्पेशियस रूम है ये, स्पेशियस रूम है ये, आप इसका देखें। फिनाइल वगैरह यहाँ पे यूज़ हुई भी है, और बड़ा स्पेशियस रूम है ये। फ्लोरिंग अगेन मार्बल। ये एक सेपरेट पोर्शन डिज़ाइन किया गया है, जो भी बंदा इसे फुली बाय करने के लिए चाहता है वो उसके हवाले से भी मैं आपको वीडियो के एंड पे बताता हूँ। ये एक पोर्शन है सादा सीलिंग, और ये आप देख रहे हैं पैनलिंग हुई भी है। और ये इसकी सादा वॉल्स, और इसके साथ ही आपको इसका ये अटैच किचन। ये एक अलग रूम और मार्बल, और यहाँ पे अटैच वॉशरूम, अटैच इसका वॉशरूम।
और यहाँ से जी इसको टेरेस की एक्सेस दी हुई है, ये से जी टेरेस की एक्सेस दी हुई है और यहाँ से गीज़र इंस्टॉल्ड है। और मज़ीद मैं आपको इसका बता दूँ, इस घर के अंदर 3 मोटर पंप्स इंस्टॉल्ड हैं और अब ये इसका फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर का विज़िट कंप्लीट होता है, सेकंड फ्लोर की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये मार्बल का इस्तेमाल हुआ विद स्टेयर्स पे वंस अगेन, और ये इसकी जी वॉल्स हैं, सादा वॉल्स हैं, अगेन स्टेयर्स पे मार्बल। और वीडियो लंबी होने की सूरत में माजरत हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि क्विकली आपको इसका एक रिव्यू करवा दूँ। ये जी सेपरेट एक यूनिट है, इसमें इंटर होंगे, सेकंड फ्लोर है ये, अगेन ये आपको मिल जाएगा किचन राइट हैंड साइड पे, ये इसका किचन का ओवरव्यू, काउंटर्स और ये काउंटर के ऊपर मार्बल का इस्तेमाल। और सरसरी से मैं आपको इसका विज़िट करवा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। ओपन एरिया आ गया, मार्बल वेंटिलेशन, और ये बेडरूम। इस बिल्डिंग के अंदर ऑलमोस्ट जो इसे डिज़ाइन किया गया है, ये आप देख रहे हैं, ये रूम के अंदर फिनाइल का इस्तेमाल हुआ है, अगेन स्पेशियस रूम है। ये बैक एंड वाला विंडोज हैं वेंटिलेशन के लिए, और ये जी इसका किचन, ओह सॉरी किचन कह रहा हूँ, ये वॉशरूम है। और मज़ीद इस हाथ पे अगेन ये रूम, पैनलिंग हुई भी है शीट की मार्बल, और इस हाथ पे आपको ये किचन इसका मिलेगा। ये जी इसका किचन, घर के अंदर सेपरेट सेपरेट यूनिट्स डिज़ाइन किए हुए हैं, अगेन रूम, फ्लोरिंग देख लें, और ये जी वॉशरूम। ये अभी पेंट शेंट हुआ है इस घर को, और नीचे वाला पोर्शन जो रिमेनिंग है उसके अंदर वो लगे हुए हैं मिस्त्री वगैरह, और उसकी रेनोवेशन कंप्लीट हो रही है, ये देख रहे हैं आप। सेकंड फ्लोर पे भी आपको टेरेस की एक्सेस है, और सेकंड फ्लोर से हम आपको लेके चलेंगे इसकी ऊपर माउंटी की तरफ। ये देख रहे हैं मार्बल का इस्तेमाल, और ये आप देख रहे हैं जी गीज़र वाटर पंप। इस घर में मैंने आपको बता चुका हूँ 3 से 4 इस घर के अंदर वाटर पंप है, वो नीचे मैं आपको एक दफ़ा विज़िट करवा दूँगा। ओपन स्पेस माउंटी, 3 टंकियाँ यहाँ प्लास्टिक की, और यानी कि 3 ही मोटर पंप, 3 ही यहाँ पे आपको मोटर पंप्स इंस्टॉल हुए हैं इस घर के अंदर। ये अगेन शोरूम ऊपर गिवन है, और ये किचन एरिया ओपन यहाँ पे, और ये जी ऊपर का इसका वॉशरूम। ये प्रॉपर्टी फॉर रेंट प्रॉपर्टी है, जो भी बंदा इसे रेंट आउट करने के लिए रेंट आउट करना चाहता है, वो वीडियो के एंड पे हमारा ऑफिस का एड्रेस, हमारे सेल नंबर्स गिवन होंगे, उससे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। सेपरेट सेपरेट यूनिट्स के हवाले से, यानी कि जैसे इसमें पार्टीशन हुई भी है, अगर आप वो करना चाहते हैं उसके हवाले से भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, और अगर पूरी बिल्डिंग आप रेंट आउट के लिए लेना चाहते हैं पर्पस के लिए, तो इसका रेंट है जी 35,000 इसका रेंट है, क्योंकि निगोशिएटिव ये देख लो आप। इसका रेंट है, जो भी बंदा इसे रेंट आउट करना चाहेगा जी। मोटर पंप्स मैंने आपको कहा था, मोटर पंप्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर इस घर का विजिट कंप्लीट होता है। ये जी घर के अंदर 3 मोटर पंप्स हैं, और ये जी हैशबैक गाड़ी यहाँ पे इजीली आ सकती है आपकी, मेहरान सुजुकी वगैरह इजीली एक्सेस रखती है जी।